ओम साई राम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कि यूट्यूब में जब हम काम करते हैं तो शॉर्ट वीडियो क्यों बनाना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स सब्सक्राइबर ने कहा कि आप कैसे अपना टारगेट 6 महीने के अंदर अचीव कर रही हैं, हमें भी बताइए। साल भर से ज़्यादा हो गया है तो हम भी वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं। तो मैं उन फ्रेंड्स लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोग को हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी यूट्यूब में काम करने के लिए। तो कई तरीके से हम अपना सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। सबको पता है कि हमें 1000 यूट्यूब ने सब्सक्राइब टारगेट दिया है पूरा करने के लिए, मतलब उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। और ये सबसे ज़्यादा मतलब कठिन काम यही होता है, 1000 सब्सक्राइबर हम कहाँ से लेके आए। तो चलिए मैं बताती हूँ। मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पता था स्टार्टिंग में, तो मुझे ये पता था कि 1000 हमें अपना खुद का लाना है, मतलब कोई यूट्यूब हेल्प नहीं करेंगे। और जिसका नतीजा रहा कि मैं स्टार्टिंग में ही रिलेटिव को बोल दी। तो आप लोग ये गलती ना करें, तैयारी के साथ यूट्यूबर बनने की कोशिश करें। और बस सबसे पहला काम करना है, एक तो वीडियो आपको अच्छा बनाना है। वीडियो अच्छा बनाने से आपके अपने आप ही सब्सक्राइबर धीरे धीरे बनते जाएंगे। मतलब 2-3 महीने तो पेशेंस रखना ही होगा, चाहे जितने भी अच्छे यूट्यूबर क्यों ना हो, धीरे धीरे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। उसके बाद 3-4 महीने बाद अपने आप जितना ही अच्छा काम करेंगे, जितना ही अच्छा आपका वीडियो होगा, उतना ही अच्छा, उतने ही जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ते चले जाएंगे। और एक सबसे मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो ये है कि शॉर्ट वीडियो डालने से यकीन मानिएगा सच में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और वो टिकते भी हैं, मतलब रहते भी हैं। जैसे कि हम लाइव में जाते हैं और एक दूसरे को फोर्स करके ज़बरदस्ती हम फ्रेंड बनाते हैं, तो कुछ दिन के लिए तो सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अपने आप ही अनसब्सक्राइब हो जाता है धीरे धीरे करके। इसमें ऐसा टेंशन नहीं है। शॉर्ट वीडियो अगर हम बनाते हैं तो यकीन मानिएगा वो हमारे पास रहते भी हैं, वो हमारा वीडियो भी देखते हैं। बस एक लॉस होता है कि शॉर्ट वीडियो से जितने भी हमारा वॉच टाइम होता है, लोग जो देखते हैं, जिससे कि टाइम बढ़ता है शॉर्ट वीडियो से, वो YouTube इंक्लूड नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे हाल फिलहाल में ही पता चला, इसलिए मैं आप लोग को भी बता देती हूँ कि शॉर्ट वीडियो बनाने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान थोड़ा सा है कि उसका वॉच टाइम क्यों नहीं लेते हैं, लेकिन आपको लोग जानेंगे, समझेंगे। भले ही 15 सेकेंड का होता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए आप लोग लॉन्ग वीडियो बनाने के साथ साथ शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाइएगा। और यकीन मानिएगा साल भर क्या, 6 महीने साल भर के बीच में ही आप लोग भी टारगेट पूरा कर पाएंगे। बस, धन्यवाद।